अरे पापा, बाहर जाना था जरा दोस्तों के साथ। गाड़ी ले जाएं? अरे बताइए, ले जाएं गाड़ी? जाना है बाहर? जा रहे हैं फिर हम लेके गाड़ी। हेलो। हाँ बेटा, आरती कहाँ पहुंचे तुम? अभी कितना टाइम लगेगा तुम्हें आने में? अरे अभी तुम्हारी मम्मी को पता नहीं है कि तुम पिक्चर देखने गई हो? हमने को बताया था कि वो गई हुई है कंबाइंड स्टडी करने अपने फ्रेंड के। हाँ हाँ बेटा, जल्दी आ जाओ, नहीं तो इस बार मम्मी अगर हम दोनों को पकड़ लेंगी तो तुम्हारे साथ हमारी भी कुटाई होगी, समझ जाना। हाँ वैसे भी कहती रहती हैं अपने बेटी को बहुत सर पर चढ़ाया हुआ, बहुत सर पर चढ़ाया हुआ। हम घर के किनारे आके बात कर रहे हैं, जल्दी निकलो वहाँ से बेटा, जल्दी जल्दी निकलो, चलो 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 आओ चलो। प्रियंका बेटा, जरा इधर आ रहा हूँ। हाँ बेटा, तो मम्मी बता रही तुम 12 बजे आई थी। घर आने को समय होता है बेटा, कभी भी आती हो कभी भी जाती हो। होटल समझ रख रखा है तुमने, घर नहीं होटल हो गया है तुम्हारा, ये ऐसा थोड़ी ना चलेगा बेटा। और उस दिन तुम किससे बात कर रहे थे? अभिनव। कोई भी लड़के लड़के से बात नहीं होती, हमारे खानदान में शादी से पहले कोई लड़के से बात नहीं होती है, समझी तुम? आइंदा से ऐसा नहीं होना चाहिए, जाओ पढ़ाई करो। खुल क्यों नहीं रहा है? ये तो कर रहा है सब कुछ, क्या दिक्कत हो गई? अरे पापा, स्कूल में फीस सबमिट करनी है, पैसा दे दीजिए जरा। अरे बेटा, ये हमारा फेसबुक का अकाउंट नहीं खुल रहा है, सब कुछ तो सही डाल रहे हैं, पासवर्ड भी सही डाल रहे हैं, खुल नहीं रहा, जाओ हेल्प करना, कैसे खुलेगा ये? पापा लेट हो रहा है, आज लास्ट डे फीस सबमिट करने का। अरे बेटा तुम्हारा पहले फेसबुक तो खुल जाए। पापा कल से क्लास में जाने नहीं मिलेगा। अरे तुम लोग सब लोग को भैया बस पैसा चाहिए तो इधर पैसा उधर पैसा, हम बहुत परेशान हो गए इस घर में, बस पैसा पैसा पैसा। अरे हमारा एक फेसबुक नहीं खुल रहा है, इनको अभी पैसा पैसा चाहिए, दे देंगे तुम्हारी फीस। प्रियंका बेटा, तुमने बोला था ना कि पापा आप मेरी विदाई पे बिल्कुल मत रोइएगा, देखा मैंने एक भी आंसू नहीं बहाया तुम्हारे जाने पे, बिल्कुल नहीं रोया बेटा। पर क्या करूँ बेटा, लड़की का बाप हूँ ना, तुम्हारी फोटो देख के मुझे बहुत रोना आ रहा है। प्रियंका तुम चले गए इतना दूर मुझसे, आने दो आज अंकुर को, केवल 95% रहा है 12th में, मार मार के भुरता नाम बना दी तो मेरा नाम भी राज सिंह नहीं, पूरे खानदान में नाक कटवा दिए इस लड़के ने, कॉलोनी वालों कैसे बताएंगे कि 95% आया हमारा लड़का। ये भगवान, ऐसे लड़के से तो लड़का होना लायक लड़का लड़का होया। बताइए शर्मा जी के बेटे को 99% आया, इनको केवल 95% आ जाए तो बताता हूँ। बेटा सनी, तो साथ में आज पीते हैं और कुछ बातें भी हो जाएंगी, अच्छा रहेगा। तुम्हारी मम्मी भी आज है नहीं तो ये लो। और बताओ तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड है? अगर है तो बता दो बेटा, अभी शादी वादी करनी होगी तो मैं कोई लड़की ढूंढ के आया, तुम कह दिया हमें गर्लफ्रेंड है, हा? अगर कोई भी हो तो पहले तो बता देना, हमें ये चक्कर नहीं चाहिए। अरे हमारे दोस्त जैसे हैं बेटा, कोई भी तुम्हें टिप चाहिए हो लड़की पटाने की, लड़की को कैसे बाहर ले जाएं, क्या करें, हम हैं, तुम्हें हर चीज बताएंगे, तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, कोई भी टिप बेझिझक आओ बेटा, लो पियो 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 पियो। अरे वर्मा जी कैसे हैं? अरे शुक्ला जी बढ़िया, आप बताइए क्या हाल है? हम भी बस बढ़िया है।
और आपके लड़के सुना आजकल विदेश में है, कहाँ पर है? हाँ भाई, आजकल ऑस्ट्रेलिया में है हमारा बड़ा बेटा सुनील। अभी पता है हमारी एनिवर्सरी थी, हमारी उनकी मम्मी को तो एक फ्लैट दिया है हमें और उनको गिफ्ट में। हर महीने 1 तारीख को पैसा भी भेज देता है हमारे अकाउंट में, किसी चीज की कमी नहीं होने देता हमारा बेटा। और बताइए आपका बेटा क्या कर रहा है? अच्छा हाँ, आपका बेटा तो यहीं पे है। चलिए ठीक है, धीरे धीरे आगे निकल जाएगा। चलिए मिलते हैं वर्मा जी। हैप्पी फादर्स डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक माई वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।